हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डीएम नॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम ऐप को कैसे यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हिंदी में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करना फ्री है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम के अंदर अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप अपने पेटीएम का पासवर्ड भूल गए तो उसे रिकवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मेरे चैनल का लोगो जो बना हुआ है इस प्रकार से, आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। इस प्रकार का दिख रहा है लोगो, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी फुल डिटेल ऑफ पेटीएम, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन वीडियो देख जाएगी जो है पेटीएम के बारे में, तो आप इन तीनों वीडियो को देखकर अपना नॉलेज गेन बढ़ा सकते हैं और पेटीएम के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अब पेटीएम अकाउंट और उसका केवाईसी करने के बाद अब बात करते हैं पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करने की। तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम एप्लीकेशन में पैसे आएंगे कहाँ से। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने बैंक से पैसे ऐड कर सकते हैं पेटीएम के अंदर, या फिर अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कुछ गेम खेलकर पैसे कमा रहे हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई टास्क करके पैसे कमा रहे हैं तो उसका पैसा आपको पेटीएम के अंदर मिलता है। पेटीएम के अंदर भी मिलता है और भी कई वॉलेट हैं जैसे फ़ोनपे है तो इसमें भी आपको मिलता है, मोबीक्विक है इसमें भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम पेटीएम की बात करेंगे। तो आप एप्लीकेशन से भी पैसा ले सकते हैं पेटीएम के अंदर और डायरेक्ट आप अपने बैंक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम के अंदर। तो पेटीएम में पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड मनी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ पे 1000 टाइप कर चुका हूँ। अब आपको ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, यानी किस तरीके से आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, भीम UPI है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड आसान है, आप डेबिट कार्ड से ले सकते हैं या फिर जो भी आपकी इच्छा करे, आपके पास जो सुविधा है आप अपने अनुसार यहाँ से पैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ यानी कि ATM कार्ड। अब यहाँ पर आपको उसका नंबर जो फ्रंट साइड पे नंबर दिया होता है यहाँ पर नंबर टाइप करना है। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर टाइप कर देनी है, मंथ और ईयर। और उसके बाद कार्ड के पीछे जो CVV 3 अंक का कोड होता है वो कोड यहाँ पर टाइप करके आपको प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके बैंक से पैसा कट होके आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर आ जाएगा, जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 1000 टाइप किया है तो 1000 मेरे अकाउंट से कट के मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पेटीएम के अंदर मनी ऐड कर सकते हैं। तो मनी ऐड करने के बाद अब बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज की, इसमें आप मोबाइल रिचार्ज किस तरीके से करेंगे। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है मोबाइल प्रीपेड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मोबाइल नंबर इनपुट करने को, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑपरेटर, तो अगर आपका यही ऑपरेटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, अगर फिर भी कोई अलग ऑपरेटर है तो यहाँ पे चेंज ऑपरेटर पे आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, जो भी आपका ऑपरेटर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से UP स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट टाइप करना है, अगर आप नहीं पता कितना रिचार्ज इसमें हो रहा है तो यहाँ पे ब्राउज प्लान देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी इस नंबर पे ऑफर चल रहा है वो सभी ऑफर यहाँ पर दिखाए जाएंगे, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है। तो मैं फिलहाल 10 रुपये का रिचार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा हुआ है प्रोसीड टू रिचार्ज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है हैव अ प्रोमो कोड, तो अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे 10 पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कन्फर्म योर रिचार्ज, यानी अभी प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है रिचार्ज सक्सेसफुल, यानी मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप पेटीएम के अंदर आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है कि आपका रिचार्ज डन हो चुका है। तो अब बात करते हैं किसी दुकानदार को पेमेंट करने की, या फिर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को या फिर सेंड करना चाहते हैं पैसे अपने फ्रेंड को। तो सेंड करने के लिए पैसा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पे का, लिखा हुआ है पे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका फ्रंट बैक कैमरा ओपन हो जाएगा,
अब यहाँ पर दुकानदार के पास अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके पास पेटीएम का क्यूआर कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पर स्कैन करना है। कैमरे के सामने उस क्यूआर कोड को आप रखेंगे तो ये स्कैन कर लेगा और उसके बाद आपको अमाउंट टाइप करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर दुकानदार के पास क्यूआर कोड नहीं है या फिर अगर आप अपने फ्रेंड को पैसे सेंड करना चाहते हैं और उसके पास क्यूआर कोड नहीं है तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर टाइप करके भी आप पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट पूछेगा, तो जो भी अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं टाइप कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस आए आपके स्क्रीन पे तो आप कट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे 50 रुपये टाइप कर देता हूँ और उसके बाद लिखा हुआ है ऐड मैसेज। अगर आप साथ में कोई मैसेज भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज भी आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और उसके बाद नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है पे। जैसे आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ से पैसे सेंड हो जाएंगे और इंस्टेंटली आपका फ्रेंड इसे रिसीव भी कर लेगा, यानी उसके वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी को भी आप पैसे सेंड कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट से। अब बात करते हैं पेटीएम में पैसे रिसीव करने की। तो आप अगर पेटीएम के अंदर कोई फ्रेंड आपका सेंड करता है आपको पैसा, तो वो भी आपका नंबर टाइप करके आप सेंड कर देगा तो आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे रिसीव हो जाएंगे। या फिर अगर आप अपना क्यूआर कोड देखना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार स्क्रॉल करना है लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट पेमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा, तो अगर कोई स्कैन करना चाहता है तो आपका क्यूआर कोड स्कैन करके भी आपको पेमेंट कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पासबुक की, यानी आपके पेटीएम वॉलेट में कितने पैसे हैं आप कहाँ से देखेंगे। तो जो भी आप अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं उसे देखने के लिए पासबुक का ऑप्शन मिल जाता है आपको तीसरे नंबर पे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पेटीएम के वॉलेट के अंदर जितने भी पैसे होंगे सब यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है 164 रुपये जो कि मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर बचे हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग सब कुछ आपको बता दिया, कैसे पेमेंट की जाती है, कैसे पेमेंट रिसीव की जाती है, कैसे पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे ऐड किए जाते हैं और कैसे रिचार्ज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे मूवी का टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने पहले वीडियो बना दी है, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने बताया कैसे आप प्लेलिस्ट आपको देखना है, तो उस तरीके से आप जाके पेटीएम के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पेटीएम से शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शॉपिंग भी की जाती है, यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे खासे कैशबैक भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही है पेटीएम, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव पेटीएम के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके तक भी ये जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।